मारुति ने भाई अपने ऑल्टो K10 का नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में 18 अगस्त को लॉन्च कर दिया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले वेरिएंट्स की। तो इस गाड़ी में हमें 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। बेस मॉडल है स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद LXi, VXi एंड टॉप मॉडल है VXi प्लस। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बेस मॉडल स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिजिटल स्पीडोमीटर, सन वाइजर, हेडलैम्प लेवलर, कोलैप्सिबल स्टेयरिंग कॉलम, फ्रंट कॉन्सोल यूटिलिटी स्पेस, और इस गाड़ी के फ्रंट दोनों डोर्स में 1 लीटर बोतल रखने की स्पेस आती है। और बात करेंगे इस गाड़ी में मिलने वाली सेफ्टी की, तो यहाँ पर हमें ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेशनर फॉर फ्रंट सीट्स, हाई स्पीड अलर्ट एंड चाइल्ड लॉक, और इसके अलावा व्हील में जो सेंटर कैप आती है वो, और को ड्राइवर असिस्ट ग्रिप जैसे फीचर इसके बेस मॉडल में मिल जाते हैं। और ये मॉडल हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, इसमें कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। और बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो ये मिलता है 1.4 लाख से शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके बेस मॉडल में कोई भी दूसरा फीचर ज्यादा नहीं मिलता है। ये तो हो गया इस गाड़ी का बेस मॉडल। अब बात करते हैं इसकी सेकंड बेस मॉडल की, जो है LXi। और ये वाला मॉडल भी हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, और ये बेस मॉडल से हमें 83,000 ज्यादा महंगा मिलता है। अब बात करते हैं इन 83,000 में आपको बेस मॉडल से एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो इस मॉडल में हमें सिर्फ पावर स्टेयरिंग, AC और बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिल जाते हैं। तो आपको बेस मॉडल में 83,000 खर्च करके बस आपको ये 3 फीचर ही मिलते हैं, AC, पावर स्टेयरिंग और बॉडी कलर्ड बम्पर्स, जो कि कोई फीचर माना जाता नहीं है। आजकल की सारे गाड़ियों में ये तो बेसिक फीचर है, जैसे कि टेप पर मारुति वालों ने आपको 83,000 बढ़ा के ये सारी चीजें दे दी है। तो जब आप बेस मॉडल लेने जाओगे तो वहां पर आपको ना तो पावर स्टेयरिंग मिलेगा, ना ही आपको AC मिलेगा, ना ही आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको तो पता है कि आप ये आफ्टर मार्केट जाके पावर स्टेयरिंग, AC ये तो नहीं लगवा सकती। तो आप क्या सोचेंगे कि 83,000 एक्स्ट्रा डाल के हम क्यों ना इसका सेकंड बेस मॉडल ही ले लेते हैं। तो ऐसे करके आप आ जाते हैं इसके सेकंड बेस मॉडल। अब बात करते हैं इसके सेकंड टॉप मॉडल। तो इस मॉडल में हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। और बात करेंगे सेकंड बेस मॉडल से कितना रुपीज महंगा आता है, तो ये 18,000 यानी कि 18,000 महंगा आता है सेकंड बेस मॉडल से। तो अब बात करते हैं इन 18,000 में आपको क्या क्या एडिशनल मिलता है सेकंड बेस मॉडल से। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सेंट्रल डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, रियर के साइड में सीट बेल्ट, म्यूजिक सिस्टम आता है जिसके साथ हमें 2 स्पीकर आते हैं, और USB, AUX और ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिलता है, हेडलैम्प ऑन रिमाइंडर, फ्रंट पावर विंडोज एंड इंटरनली मैनुअली एडजस्टेबल ORBM, 12V पावर आउटलेट, रूफ एंटीना और बॉडी कलर डोर हैंडल्स, व्हील कवर्स और रियर असिस्ट ग्रिप, ये कुछ फीचर्स जो है हमें ज्यादा मिल जाते हैं सेकंड बेस मॉडल LXi से। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 18,000 में 17 फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं सेकंड बेस मॉडल से। तो आप क्या करेंगे, जब आप बेस मॉडल से सेकंड पे आएंगे तो आप सोचेंगे कि 18,000 में आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो क्यों ना मैं इसका सेकंड टॉप मॉडल ही ले लूं। तो आप इसके सेकंड टॉप मॉडल पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके टॉप मॉडल। तो ये मॉडल भी हमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ आता है। और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग, 5.34 लाख मैनुअल ट्रांसमिशन और 5.84 लाख फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और ये सेकंड टॉप मॉडल से 34,000 यानी कि 34,000 महंगा आता है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के लिए। अब बात करते हैं इन 34,000 यानी कि 34,000 में आपको सेकंड टॉप वाले मॉडल से एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें हमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, 4 स्पीकर मिलते हैं, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, किले एंट्री, पार्सल ट्रे, और इसके इंटीरियर में बहुत जगह हमें सिल्वर की फिनिशिंग देखने को मिलती है। तो ये कुछ सारे चीजें आपको एक्स्ट्रा 34,000 यानी कि 34,000 खर्च करने पे आपको इसके टॉप मॉडल में मिलते हैं। तो जैसे ही आप इस गाड़ी के सेकंड टॉप मॉडल पे आते हैं, तो आपको देखता है कि 34,000 में आपको एक स्क्रीन मिल रही है, कीलेस एंट्री मिल रही है, इतने सारे और फीचर्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसका टॉप मॉडल ही ले लूं। तो ऐसे करके आप इस गाड़ी के बेस मॉडल से शुरू करके इसके टॉप मॉडल पे आ ही जाते हो, क्योंकि इसके बेस मॉडल में ना तो आपको पावर स्टेयरिंग मिलता है, ना ही AC मिलता है। तो आप ये सोचेंगे 83,000 खर्च करके मैं इसका सेकंड बेस मॉडल ले लेता हूं। तो उसके बाद आपको लगता है 18,000 देके क्यों ना मैं इसका सेकंड टॉप ले लूं। तो उसके बाद आपको ये लगता है कि सिर्फ 34,000 में आपको एक स्क्रीन मिल रही है, ये सारे फीचर्स इतने मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं
इसका सीधे टॉप मॉडल ही ले लेता। तो ऐसी कुछ ही मारुति की टेक्निक थी जिसके कारण आपको ये सीधा इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेने पे मजबूर कर देती है और कोई भी इस गाड़ी के बेस मॉडल की तरफ देखता भी नहीं। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।